असलकुम जी वेलकम बैक टू हफ्ज़ सईद उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे सबके रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे और तो यहाँ पे जी हो रही है शहरी की तैयारी और दस्तरखाना मैंने लगा दिया है यहाँ पे बन रहे हैं पराठे और पहले आज मैंने दस्तरखाना लगा दिया और अब शहरी बन रही है ताकि मैंने कहा फ्री हो जाऊँ और यहाँ पर जी अभी बन रहे हैं पराठे और इसके ऊपर अभी लग रहा है घी और साथ ही साथ मैंने सालन गरम करने के लिए रख दिया है और इतने में पराठे बन जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज की सहरी में हम क्या खाएंगे चलो जी अब हम कर लेते हैं सहरी तो ये है आलू कीमा और साथ में दही और पराठे और ये मैं अपनी दही में डाल लेती हूँ चीनी और ये रहे जी पराठा साथ में कीमा और दही ये है जी हमारी सहरी और लास्ट में हम पीते हैं चाय तो ये चाय भी तैयार हो गई है और चाय पीने के बाद फिर हम रोज़े की नियत करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो दूसरा रोज़ा भी कंप्लीट हो जाए मच 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 लेते अच्छा जी तो आज है जुम्मा सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तो अभी मैं सो के उठी हूँ तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है इतनी आवाज़ के साथ ठंडर्स जो है ना वो बिल्कुल और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ठंडी हवा चल रही है इतना अच्छा दो पहले तो मौसम अच्छा हो रहा ही रहा था लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश हो रही है और सुबह से जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक आसमान हुआ पड़ा है और जी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी थी और कुरान वग़ैरह पढ़ा तो अब फ्रूट चाट बन रही है और ये अब दोबारा शाम के टाइम वो मैंने सुबह के टाइम दिखाई थे और अब ये तीन चार बजे के टाइम दोबारा इतनी तेज़ तूफ़ान आ रहे हैं और दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बाहर बारिश हो रही है तो फ्रूट चाट का सामान मैं ले आई हूँ और ये मैंने कट भी कर लिए हैं सारे इसके अंदर आज मैंने डाला है टैंग और टैंग का सिरप डाला है इसके अंदर और अब मैं ब्लैक पेपर डालूँगी इसके अंदर और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर इसको जो है ना वो सर्विंग बॉल में कन्वर्ट कर दूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और इसके अंदर आज मैं एक और चीज़ भी डालूँगी और वो है जी ब्लैक लोबिया वो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था वो मेल्ट हो गया और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और एंड में मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए एंड दिस इज़ रेडी टू गो और यहाँ पे बन रहा है जाम शीरी और उसके लिए उसके अंदर मैंने लीमू डाला है और लीमू डालने के बाद इसके अंदर मैं हल्का सा जो है ना वो ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी और फिर इसके अंदर चला जाएगी चीनी क्योंकि अगर ख़ाली जाम शीरी ऐड करो ना वो तो फिर हयान कहता है बहुत ही पीका है इसलिए उसके लिए चीनी ऐड करनी पड़ती है और ऐट द एंड मैं डाल रही हूँ ये जाम चीनी और उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएगा इसके अंदर कोई कुछ नहीं डालूंगी बस इसको फ्रिज में रख दूँगी वो तो मैंने फ़्रिज में रख दिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि दिल चाह रहा था कि पकौड़े बने तो ये मैंने सारा बैटर मिक्स करके रख दिया है क्योंकि पकोड़े मम्मा अच्छे बनाती हैं तो वो मम्मा ही बनाएंगी और अभी मम्मा जो है ना वो मसाले वाले चने बना रही हैं तो मम्मा ने ये बना लिए हैं और मैंने बैटर कट करके रख दिया है वो फ्राई मम्मा करेंगी चलें जी और यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ रोल और इस तरह आपने पहले रोल समोसे बना के रखे हो ना इतना फ़ायदा होता है मैंने पहले आपको दिखाई थी ना वीडियोज़ मैंने बनाए हुए थे तो वो मैंने निकाले हैं और अब इनको कर रही हूँ फ्राई और साथ साथ जो है ना वो पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और अभी साढ़े पाँच बजे तकरीबन हम फ्राई शुरू कर देते हैं छः बजे तक कंप्लीट एंड दिस इज़ अवर होल इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड रोज़ा जो है वो बिल्कुल इफ्तार होने वाला है एंड दिस इज़ द होल स्प्रेड A few moments later. अच्छा जी तो अवतारी का सारा काम करने के बाद मतलब चीजें वगैरह के बाद फिर मैं सकून से चाय पीती हूँ तो अब मैं पीती हूँ अपनी चाय। One hour later तो जी चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया वो मेरा फ्री टाइम होता है और आज मेरा दिल जा रहा था कि मैं जो हूँ ना वो वेजिटेबल पुलाव खाऊँ तो मैंने बनाया है पुलाव वेजिटेबल एंड चिकन तो उसके लिए मैंने ये सारी वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर चावल डाले और ये बिल्कुल रेडी हो गया क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना मेरा दिल चाह रहा था कुछ अच्छा सा खाऊं तो ये मैंने बनाए हैं और साथ में मैंने कबाब फ्राई किया है और ये है जी मेरा डिनर उम्मीद है कि आपको मेरी रमज़ान की रूटीन पसंद आ रही होगी इन मिलेंगे कल की रूटीन के साथ विद इन थर्ड रोज़ा अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़